हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर में बैंक चार्जेस की एंट्री करेंगे विद जीएसटी, यानी जो हमारे को बैंक हमारे चार्जेस काटता है उसकी एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे और उन चार्जेस के ऊपर जो हमारा जीएसटी लगता है उसका आईटीसी हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड करेंगे कि किस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर में अपने बैंक चार्जेस की एंट्री कर सकते हैं विद जीएसटी। यानी जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में अपनी कोई बैंक की एंट्री करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन में कुछ या कुछ चार्जेस बैंक द्वारा काट लिया जाता है। तो जो बैंक द्वारा चार्जेस काटे जाते हैं उसके अंदर हमारा जीएसटी भी इंक्लूड होता है और उस जीएसटी का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक पूरा मेथड बताएंगे कि किस तरीके से हम टोटल बैंक चार्जेस की एंट्री करते हैं और उन पर जो भी हमारा जीएसटी लगता है उसको किस तरीके से हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो बैंक चार्जेस की एंट्री को टैली सॉफ्टवेयर में दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तरीका, हम परचेस के वाउचर में भी बैंक चार्जेस की एंट्री कर सकते हैं और दूसरा, हम पेमेंट के वाउचर में भी बैंक चार्जेस की एंट्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों मेथड बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए सिंपल हम बैंक चार्जेस की एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट के वी। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे परचेज के वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की F9 की। सबसे पहले मेथड में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप परचेज के वाउचर में बैंक चार्जेस की एंट्री कर सकते हैं। परचेज के वाउचर में किसी भी एक्सपेंस की एंट्री करने से पहले हमें इसमें एक फीचर को इनेबल करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप इन्वेंट्री मोड में हो। तो यहाँ पे हम पहले से इन्वेंट्री मोड में नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है। इन्वेंट्री मोड में रहते हुए आप परचेस के वाउचर में अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर रहते हुए यहाँ पर आप अगेन F12 की प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आप दूसरी बार F12 की प्रेस करेंगे यहाँ पर आप जर्नल ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जिस पर लिखा हुआ है अलाउ एक्सपेंसिस फिक्स एसेट्स फॉर अकाउंटिंग एलोकेशन, यहाँ पे आप इसको यस कर दीजिए। ये आपका बाय डिफॉल्ट नो रहता है। जैसे आप इसको यस करेंगे तो आप एक्सपेंसेस और फिक्स एसेट्स की एंट्री को भी परचेज के वाउचर में कर पाएंगे। तो सिंपल स्क्रीन को शट करा दीजिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब आपकी स्क्रीन इन्वेंट्री मोड पे होगी तभी आप उस फीचर को इनेबल कर पाएंगे। अगर यहाँ से आपकी स्क्रीन अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में होगी तो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे अब हमारी स्क्रीन अकाउंटिंग मोड में आप देखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर शो रहा है और इस पे रहते हुए अगर अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार ही आप F12 की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बार कॉन्फ़िगरेशन में आने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप उस फीचर को इनेबल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आइटम इनवॉइस मोड के अंदर आना है, यानी इन्वेंट्री वाले मोड पे आना है। तब आपको F12 की प्रेस करना है, अगेन F12 की प्रेस करना है, तभी आप इस ऑप्शन को यस कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को यस करने के बाद दोबारा से अब हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी एंट्री होगी वो हमारी इनवॉइस मोड में ही होगी। तो यहाँ पर हम दोबारा से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ चुके हैं। तो किस तरीके से आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं F2 की। यहाँ पे हम 1 मार्च में एंट्री करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ से जो बैंक द्वारा हमारे चार्जेस काटे गए होंगे उसके अंदर हमें कोई इनवॉइस तो नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा बैंक का लेजर आ जाएगा। तो बैंक के लेजर को क्रेडिट को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर आते हुए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर टाइप कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने बैंक का नाम डाला है, अंडर उसको बैंक अकाउंट के रखा हुआ है, या बैंक का पूरा डिटेल डालिए, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक की ब्रांच वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन, देन बैंक का पूरा एड्रेस वगैरह, पिन कोड, उसकी कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल और यहाँ पे आपको अपने बैंक का GST नंबर भी डालना है। ध्यान दीजिए आपके बैंक का एक GST नंबर होगा, उस GST नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है और जो भी GST नंबर आपके पास है वो भी आपको अपने बैंक में सबमिट कर देना है। तो सिंपल यहाँ पे हम सारी डिटेल्स को डाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर हमें यहाँ पे बैंक चार्जेस नाम से नए लेजर को क्रिएट करना होगा। तो उस लेजर को क्रिएट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए। यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन वाली विंडो पे आ जाएंगे। तो सिंपल एक लेजर हम बना लेते हैं बैंक चार्जेस, इसको अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस के, क्योंकि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस हैं, और यहाँ पे GST को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर GST डिटेल इसको यस कर दीजिए।
इसे यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं हमारे बैंक चार्जेस हैं, इसका एचएसएन कोड। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे हमें परचेज टैक्सेबल डाल देते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हमारा बैंक है वो हमारा लोकल बैंक है, यानी वो हमारे सेम स्टेट में, इसलिए यहाँ पे हम परचेज टैक्सेबल ले रहे हैं। अगर आपका बैंक आपके स्टेट से बाहर है तो यहाँ पे आप इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, लेकिन इस एग्जांपल में हम यहाँ परचेज टैक्सेबल ही ले रहे हैं जो हमारा बैंक है वो हमारे सेम ही स्टेट में है। और यहाँ पे जीएसटी को टैक्सेबिलिटी लेते हुए जो उसका टैक्स रेट है यहाँ पे 18% डाल देते हैं, 99% हमारा कैलकुलेट हो चुका है। देन यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो एग्जांपल के लिए जो हमारे बैंक चार्जेस, टोटल हमारे बैंक चार्जेस बने हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं 10,000। यहाँ पे आप देखेंगे परचेज टैक्सेबल हमसे पूछ रहा है, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टैक्स के लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा CGST @9%, अंडर ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस का आएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी आ जाएगा, और टैक्स टाइप ये हमारा सीजीएसटी, तो हमारा सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा 900 रुपये का टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। दूसरा भी हम बना लेते हैं, SGST @9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, स्टेट टैक्स, और इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा CGST और SGST 900 रुपये कैलकुलेट हो चुका है। अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्लस ए टाइप कर दीजिए, और डिटेल में देखने के लिए ओल्ड प्लस F1 की टाइप कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें शो रहा है 10,000 टैक्सेबल वैल्यू है, 9% 900 रुपये हमारे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ से आप इसको राउंड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों अमाउंट हमारे सेम है, इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हमारे बैंक चार्जेस करने की एंट्री थी जो हमारे परचेज के वाउचर में होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप पेमेंट के वाउचर में बैंक चार्जेस की एंट्री को कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जीएसटी की रिपोर्ट दिखाते हैं। तो उसके लिए आप डिस्प्ले में आ जाइए, यहाँ से स्टेटरी रिपोर्ट के अंदर आ जाइए, जीएसटी में आ जाइए और GSTR2 में आ जाइए। तो यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं 1 मार्च से 31 मार्च। तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी वो एंट्री आ चुकी है, और यहाँ पे बैंक चार्जेस का ITC भी हम क्लेम कर चुके हैं। जैसे आप इसको एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे हमें एंट्री सक्सेसफुली शो हो रही है, और 1800 रुपये का इसका हमारे को यहाँ पे ITC भी शो हो रहा है। अब किस तरीके से हम इसको क्लेम करेंगे तो आप देखेंगे GSTR-3B में भी हमारा शो हो गया होगा। यहाँ पे हम पीरियड चेंज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 1800 रुपये का हमें ITC यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको ITC शो हो जाएगा, ऑल अदर ITC के अंदर शो हो रहा है। और जो हमारे बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस पे जितना भी हमारा टैक्स कटा है वो टैक्स का ITC है, और इसको भी हम क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो उनके बैंक चार्जेस में GST कैलकुलेट होता है उसका ITC क्लेम नहीं करते, लेकिन अगर वो अपने बैंक से डिमांड करे तो उनका बैंक उनको पूरी रिपोर्ट देगा, एक स्टेटमेंट देगा जिसके अंदर पूरी रिपोर्ट लिखी होती है कि कितना कितना आपका उसके अंदर बैंक चार्जेस कटा है, और उस बैंक चार्जेस पे आप उस बैंक के टैक्स के रेट के अकॉर्डिंग अपने ITC को अलग कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में ही उसका फ़ायदा होता है। तो वही हम दिखाते हैं दूसरे तरीके से कैसे बैंक चार्जेस की एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट के V, यहाँ से पेमेंट के वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की F5। पेमेंट के वाउचर में आते हुए सबसे पहले आप इसको डबल एंट्री मोड में कर दीजिए। यहाँ पे हमारा पहले से ही डबल एंट्री मोड में है, लेकिन अगर आपका सिंगल एंट्री मोड में हो तो आप पेमेंट के वाउचर में आते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है यू सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रा वाउचर, इसको नो कर दीजिए। ये आपका हो सकता है किसी केस में यस हो, तो जैसे आप इसको नो करेंगे आपकी स्क्रीन यहाँ पे डबल एंट्री में शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप टू और बाई के अंदर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देते हैं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हमारे डेबिट होंगे, तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 5,000। देन उसके बाद यहाँ पे हमें अपने टैक्स के लेजर को भी डेबिट करना होगा, यहाँ पे हमारा CGST। तो यहाँ पे 5,000 पे 9% का जो हमारा CGST बनेगा वो हमारा बनेगा 450। इसी तरीके से हम SGST को भी कर देते हैं, तो जो हमारा SGST बनेगा वो भी सेम बनेगा 450। और 2 के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं 2 बैंक अकाउंट, यानी जो भी हमारा बैंक अकाउंट है हम उस बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल देते हैं SBI बैंक, और सिंपल यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हमारे दूसरे तरीके की जो बैंक के अंदर एंट्री होती है, यानी जो हमारे बैंक चार्जेस की एंट्री होती है वो भी हम कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अभी दूसरी एंट्री का ITC हमें मिला या नहीं। तो उसके लिए दोबारा से आप डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट की D, स्टेटरी रिपोर्ट के अंदर आ जाइए, शॉर्टकट की O, GST में आ जाइए और GSTR2 में आ जाइए। तो सबसे पहले हम आप पीरियड को चेंज कर लाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो दूसरी हमने बैंक की एंट्री की है वो भी हमें यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो चुकी है। नंबर ऑफ इन्वॉइसिस के अंदर हमें 2 इन्वॉइस शो हो रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू हमारी दोनों प्लस हो गई, और दोनों का जो ITC है वो भी हमारे यहाँ पे प्लस हो गया। आप देखेंगे अब हमें दो तरीके की एंट्री शो हो रही है, एक हमारे SBI बैंक की और दूसरी हमने जो पेमेंट के अंदर एंट्री की थी। तो इसी के साथ इन दोनों का ITC भी हमें क्लेम हो गया होगा। GSTR-3B में हम देखते हैं, तो GSTR-3B के अंदर भी टोटल ITC हमें 2700 रुपये का शो हो रहा है।
तो इस तरीके से आप अपने बैंक चार्जेस की एंट्री को कर सकते हैं और बैंक चार्जेस पे जितना भी हमारा टैक्स हमसे बैंक वसूल करता है उस टैक्स का हम ITC भी क्लेम कर सकते हैं। दो तरीके से बैंक चार्जेस की एंट्री होती है, एक आप परचेस के वाउचर में और एक पेमेंट के वाउचर में। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे किस तरीके से बैंक चार्जेस की एंट्री की जाती है और कैसे उसका ITC क्लेम किया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको टैली, ईबिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।